प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते युद्धग्रस्त यूक्रेन का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि रूस के साथ जारी जंग के बीच ये पीएम मोदी की यूक्रेन की पहली यात्रा है। पीएम ने करीब एक महीने पहले ही रूस का दौरा कर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि यूक्रेन संकट का सैन्य समाधान संभव नहीं है। पिछले महीने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ फोन पर हुई बातचीत में जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि मोदी यूक्रेन में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में दिल्ली समेत देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने एक कॉलेज स्टूडेंट को ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर ट्रेनी डॉक्टर की जानकारी पब्लिक डोमेन में डाली है। उसने सीएम ममता बनर्जी को जान से मारने की भी धमकी दी थी। पुलिस ने कहा है कि इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की सीबीआई को इजाजत मिल गई है। सीबीआई इससे पहले आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट करा चुकी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट से पता चल सकेगा कि आखिरी आरोपी कितनी झूठ और कितना सच बोल रहा है। सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है। संजय रॉय इस केस में मुख्य आरोपी है। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद इसे गिरफ्तार किया था। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष के बयान में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। पीड़िता के परिवार की ओर से दिए गए बयान और आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के बयान अलग हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को नाकाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाज नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने अपनी महिलाओं को नाकाम किया है। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल को उसके प्राचीन गौरव की स्थिति में वापस लाया जाना चाहिए, जहां महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान मिलता था। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं गुंडों से डरती हैं। ये स्थिति सरकार की असंवेदनशीलता के कारण बनी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मामले पर राज्यपाल ने कहा कि वो पीड़िता की मां की भावनाओं का सम्मान करते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम पर हमला कर दिया है। इस हमले में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बसंतगढ़ के सुदूर डूडू इलाके में दोपहर करीब 3:30 बजे आतंकवादियों ने सुरक्षा टीम पर हमला किया। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ की बटालियन के इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को गोली लगी और बाद में अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। यह आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति करने के फैसले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले को ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण के खिलाफ बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के रामराज्य का ये विध्वंसकारी वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहती है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाली थी। लेटरल एंट्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप पर सरकार ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस का पाखंड देश के सामने है। वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि ये यूपीए सरकार थी जो लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाई थी। उन्होंने लिखा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार में ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। अश्विनी वैष्णव ने लिखा कि एनडीए सरकार ने एआरसी की इस सिफारिश को लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। गवर्नर ने 17 अगस्त को उनके खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दी थी। इससे पहले 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा जाएंगे। राष्ट्रीय लोकमोर्चा के मुताबिक एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुछ दिन पहले ही एनडीए की तरफ से आधिकारिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया गया था। एक सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद आरके सिंह की संभावना जताई जा रही है। ओडिशा में पिछले 48 घंटे में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कल तक ओडिशा के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पुणे में बारिश के बाद सड़कें, सबवे, अंडरपास और घरों में पानी भर गया है। शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम लग गया है। वड़गांव शेरी इलाके में रविवार शाम को 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी ने कहा कि अगले 2 दिनों तक पुणे में बारिश जारी रहेगी। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश में 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अमरनाथ यात्रा का आज समापन हो गया। 52 दिनों तक चली यात्रा में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 2023 में 4.5 लाख श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक पंजतरणी से अमरनाथ गुफा में पहुंची। छड़ी मुबारक की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक पूजा अनुष्ठान हुई। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा 2024 का समापन हुआ। अमरनाथ की यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी। इसके लिए जम्मू से लेकर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो में कल एक बड़ी डील हो सकती है। इस ब्लॉक डील में एंटोफिन सिंगापुर अपनी 1.54% हिस्सेदारी बेच सकती है। ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस 251 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो जोमैटो के क्लोजिंग प्राइस से 4% डिस्काउंट पर है। इस ब्लॉक डील के जरिए एंटोफिन सिंगापुर 3,420 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स को इस ब्लॉक डील के लिए प्लेसमेंट एजेंट बताया जा रहा है। हाल ही में लिस्ट हुई ओला इलेक्ट्रिक और यूनिकॉमर्स के शेयरों में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। दोनों शेयरों में आज अपर सर्किट लगा। ओला इलेक्ट्रिक जहां 10% के अपर सर्किट पर बंद हुआ, तो यूनिकॉमर्स में 20% का अपर सर्किट लगा। पिछले 6 सेशन में ही ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक करीब डबल हो चुका है। आपको बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक का सर्किट फिल्टर 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। आज की इस तेजी के साथ ही ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप 64,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। इंटरआग बिल्डिंग के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। पहले दिन ये आईपीओ 3 गुना से ज्यादा भर गया है। कंपनी इस आईपीओ से 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। निवेशक इस आईपीओ के लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। प्राइस बैंड 850 से 900 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 16 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 14,400 रुपए लगाने होंगे। कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स के इंस्टॉलेशन के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वर्तमान में तमिलनाडु और उत्तराखंड में केंद्रित है। एयरलाइंस कंपनियों ने जुलाई में 1,29,00,000 से अधिक यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाया है, जो सालाना आधार पर 7.3% से ज्यादा है। आज जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। हालांकि इससे पहले जून में कुल 1,32,00,000 यात्रियों ने उड़ान भरी थी। इंडिगो ने घरेलू हवाई यातायात क्षेत्र पर अपना दबदबा जारी रखा है और जुलाई में इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 62% हो गई है। दूसरी ओर एयर इंडिया की हिस्सेदारी घटकर 14.3% हो गई है। जुलाई में विस्तारा की घरेलू बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 10% हो गई है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की 22 अगस्त को बोर्ड बैठक होने वाली है। कंपनी ने बताया कि इस बैठक में शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ये 2017 और 2021 के बाद कंपनी के लिए तीसरा शेयर बायबैक होगा। बायबैक या तो टेंडर ऑफर रूट से या फिर ओपन मार्केट रूट से किया जा सकता है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने आखिरी बार 2021 में 700 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर शेयर बायबैक किया था। तब से लेकर इसके शेयर में करीब 70% ये बढ़ चुके हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में सरकारी बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की। इस दौरान वित्त मंत्री ने बैंक प्रमुखों को डिपॉजिट बढ़ाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने के निर्देश दिए। साथ ही वित्त मंत्री ने डिजिटल पेमेंट और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ाने के लिए कहा है। वित्त मंत्री ने बैंक प्रमुखों को सुझाव दिए हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक सेवा पर फोकस करें और बजट में किए गए घोषणाओं को ग्राहकों तक पहुंचाएं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में सरकारी बैंकों के साथ ही रीजनल ग्रामीण बैंकों के प्रमुख भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली फुल रिव्यू मीटिंग थी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने डिपॉजिट इंश्योरेंस की समय समय पर समीक्षा करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि के कारण बैंक डिपॉजिट में बढ़ोतरी होगी, जिससे इंश्योरेंस की सीमा बढ़ाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि अभी बैंकों के डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, यानी अगर बैंक में पैसा डूब जाता है तो डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए तक बीमा के तौर पर मिलते हैं। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि सभी डिपॉजिटर्स के लिए पूरी बीमा सुरक्षा देना संभव नहीं है, लेकिन छोटे खाता धारकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कवरेज पर विचार किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने अगस्त महीने के अपने बुलेटिन में महंगाई पर संभल कर चलने की सलाह दी है। मंथली बुलेटिन में आरबीआई ने कहा कि फूड इन्फ्लेशन अब नॉन फूड बास्केट पर भी असर डाल रहा है। फूड प्राइस शॉक को महज ट्रांजिटरी फेज कहना सही नहीं है। आरबीआई के मंथली बुलेटिन में कहा गया है कि अब फूड इन्फ्लेशन का नया सामान्य बनने का खतरा बढ़ गया है। इसमें बढ़ती मांग के पीछे की वजह बताते हुए कहा गया है कि इनकम बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में खपत में इजाफा हो रहा है। बैंक के मुताबिक अच्छी मांग बने रहने से फिलहाल धीमे पड़े प्राइवेट सेक्टर में निवेश तेज हो सकता है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष यानी FY 25 में कैपेक्स 2,45,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है।